उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। 12 सीटों पर 28 जनवरी को वोटिंग होनी है। 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं एक सपा के खाते में जा रही है। 12वीं सीट ने राजनीतिक दलों का तापमान बढ़ा दिया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी खासी उत्साहित नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। देश में चुनावी दौर शुरू हो गया है। 28 जनवरी को 12 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी समेत सपा और बसपा ने कमर कस ली है। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश दौरा और राजभर के साथ मुलाकात करना नए राजनीतिक समीकरणों को दिशा दे रहा है। ओवैसी पर सबसे ज्यादा हमलावर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा है। ये बात अखिलेश यादव को भी समझ आ रही है कि ओवैसी सपा का कोर वोटर यानी मुस्लिमों का वोट अपनी ओर खींच सकते हैं। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाली जंग दिलचस्प होती नजर आ रही है। 12 सीटों में से एक सीट पर राजनीतिक दलों को खासा रणनीति बनानी पड़ेगी। विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची फाइनल करने के लिए कहा जा चुका है और आगामी 16-17 जनवरी तक सूची जारी होने की उम्मीद है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को 13 व 14 जनवरी को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रदेश कार्यालय में विधायकों संग बैठक भी की। बता दें, विधान परिषद की 12 सीटें 23 जनवरी को खाली हो रही हैं। इनमें सपा की 6, बसपा व भाजपा की 3-3 सीटें शामिल हैं, जिनकी सदस्यता खत्म हो रही है। उनमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम भी शामिल है। बता दें, उच्च सदन की एक सीट के लिए वोट काउंट 32 होगा और 310 विधायकों के साथ बीजेपी आसानी से 9 सदस्यों को भेज सकती है। इसके बाद भी बीजेपी के पास 22 वोट बचे रह जाएंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी 10 सीटों पर आसानी से कब्जा कर सकती है। वहीं सपा के पास 47 विधायक हैं। इस तरह से सपा के खाते में एक सीट जाती नजर आ रही है। वहीं एक सीट पर राजनीतिक दलों में रणनीतिक जंग होना तय माना जा रहा है। बसपा के पास सिर्फ 18 सीटें हैं। गौर करने वाली बात यह है कि खाली होने वाली 12 सीटों में 6 सीटों पर सपा का कब्जा था। वहीं 3 सीटें बीजेपी और 3 सीटें बसपा के खाते में थी। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। अब देखना यह होगा कि विधान परिषद चुनाव किसकी तरफ जाता है, खासतौर पर वो 12वीं सीट अभी जिस पर किसी की दावेदारी नहीं है। देखना यह होगा कि वो 12वीं सीट किसके खाते में जाती है। इसी पर चर्चा करेंगे, क्या समीकरण बन रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले रूबरू कराते हैं आपको उन मेहमानों से जो आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। कपीश जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और स्वागत है आपका लाइव टुडे में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सिन्हा जी मौजूद हैं स्टूडियो से। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला, जो इस खबर को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, शुक्रिया जुड़ने के लिए। और कुछ ही देर में बीजेपी से नीत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इस चर्चा में बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल मयूर आपके पास लेकर आना चाहती हूं। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी ने दो नामों का ऐलान किया, हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के पास जो विधायक है वो सिर्फ एक सीट को जीतने के लिए है, लेकिन आज ऐलान दो नामों का कर दिया है। एक बड़ी मीटिंग भी हुई आज पार्टी के खेमे में, क्या कुछ अपडेट देंगे मयूर? इना जी, देखिए, मीटिंग इसी बात की हुई है कि देखिए, बीजेपी के जो भी उम्मीदवार हैं, 10 उम्मीदवार हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 10 लोगों का पहुंचना तय है विधान परिषद में। लेकिन जो 2 सीटें बचती हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने अपने दोनों जो उम्मीदवार हैं उनको उतार दिया है और एक को तो पहुंचना तय है।
और एक को लेकर जो पेच फंसा है उसको लेकर जुगत लगानी पड़ेगी समाजवादी पार्टी को, उसको लेकर मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ दावपेच खेलने पड़ेंगे। तो मीटिंग इसी बात को लेकर है कि दो में से किसको कन्फर्मेशन दिया जाए, किसको पहुंचाया जाए और जो एक बचता है उसको किस तरीके से समीकरण बनाया जाए कि उसे भी हम विधान परिषद पहुंचा सके। आज सारे विधायकों के साथ मीटिंग हुई और कल भी इस बात की मीटिंग होगी और कल जब मीटिंग होगी उसके बाद ये देखना होगा और उसके बाद सब जुगत में लगेंगे कि जो दूसरे दल के विधायक हैं, ऐसा कि समाजवादी पार्टी ने दावा कर रहे हैं कि तमाम जो दूसरे दल के विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं, लेकिन संपर्क में कितना है ये जब इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी उसके बाद ये चीज़ तय हो पाएगी कि समाजवादी पार्टी के साथ कितने विधायक हैं, कितने निर्दलीय विधायक हैं और कितने जो भाजपा से नाराज होकर गए हैं वो कितने हैं। तो ऐसा उनका दावा है लेकिन अब देखने वाली बात होगी जब इलेक्शन होगा उसके बाद ये बात तय हो पाएगी कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से खड़ी है और उनका एक तो विधान परिषद में पहुंच ही रहा है उम्मीदवार, लेकिन दूसरे के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ही ना जी। दो नामों का ऐलान जो आज हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन शामिल हैं, इसमें नंबर वन पर कौन है और नंबर टू पर कौन है, यानी किसकी सीट पक्की मानी जा रही है अभी? हिना जी, अहमद हसन की सीट अभी फिलहाल जो हमारे सूत्र हैं जहां से हमें जानकारी मिल रही है, अहमद हसन की सीट पक्की मानी जा रही है। इनका नाम पहले से भी चल रहा था लेकिन अभी राजेंद्र चौधरी का भी नाम आया है, अखिलेश यादव के करीबी हैं, उन्हें भी पहुंचाना है ऊपर तक, तो इसलिए अभी जब मीटिंग होगी उसमें ये तय होगा। अभी पुख्ता तरीके से हम नहीं कह सकते कि दोनों में से किसको पक्का ऊपर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमें जो जानकारी है वो अहमद हसन को पहुंचाया जाएगा हिना जी। बिल्कुल, मैं अगला सवाल कपीश जी से लेना चाहूंगी। कपीश जी, अभी समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल 49 विधायक हैं और जो कैलकुलेशन हमने की है उसमें एक सीट पाने के लिए 33 विधायकों का वोट चाहिए, यानी दूसरी सीट के लिए अभी जद्दोजहद समाजवादी पार्टी को करनी है, लेकिन आज ऐलान हुआ दो नामों का, किस बिना पर इन दो नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया है? देखिए हिना जी, ये कोई जरूरी नहीं कि आपके विधायक पूरे हो तभी आप कोई दूसरा एक कैंडिडेट दें जी, क्योंकि ये लोकतंत्र में ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी पार्टी का, उसके अगर दो विधायक हो एक विधायक हो तो भी वो खड़ा कर सकते। ये तो अन्य जो चुने हुए विधायक हैं वो चुनते हैं अपने लिए मिल से जी, क्योंकि ये उच्च सदन का मामला। तो दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी एक जो 10वीं सीट आप कंफर्म कह रही हैं उसको कंफर्म ना कहें जी, क्योंकि जी, एक सीट पे उस पर भी लड़ाई है और जो दो सीट हमने आपसे कही है कि हमारी है वो आपको हमारी झोली में ही जाते हुए दिखी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले अब लोग नहीं रहे और त्रिस्तरीय चुनाव भी सामने है, आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव भी सामने है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का खुल करके विरोध करता रहा है अगर वो उनके कैंडिडेट को जिताता है तो सीधी सी बात होगी कि वो जो है कहीं ना कहीं से उसी खाने में गिरा हो, और बहुत सीधी सी बात यह है कि हमारे किसी आश्वासन पे ही, हमारे विधायकों के आश्वासन पे ही हमने एक कैंडिडेट दिया है और वो शर्तिया जीत करके है, और इसमें पहला और दूसरे नंबर पे कोई कैंडिडेट नहीं, दो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने दिया है, दोनों कैंडिडेट हमारे जीत करके आएंगे और बहुमत पे जीत करके। हम देख रहे हैं काफी दिनों से समाजवादी पार्टी कार्यालय में इसको लेकर मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, विधायकों से बातचीत हो रही है, आज की जो ये खास मीटिंग हुई इसमें क्या खास रहा, जानना चाहेंगे आपसे? ऐसा है कि ये जो मीटिंग है ये तो अपने विधायकों के साथ आत्ममंथन के लिए जी, इसे कोई विशेष खास ना समझे कि कोई स्पेशल चीजें नहीं, हमारे यहाँ संगठनात्मक भी तमाम चीजें चल रही है और इस समय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तमाम दौरे भी चल रहे हैं, उस कंडीशन में कहां कहां कैसे दौरे लगने हैं, किसको क्या भार दिया जाना है वो भी इसमें तय हुआ, तो उसको सिर्फ इसी कंडीशन में ना देखा जाए। ये तो हमारे दो कैंडिडेट जो दिए ये तय है कि ये MLC होने ही होने, हमारी जितनी हिस्सेदारी है वो तो हम पाएंगे ही पाएंगे, साथ में उन वोटों का आश्वासन हमें मिला है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे।
बिल्कुल, मैं अपना अगला सवाल अजय जी से पूछना चाहूंगी। इस बीच मयूर, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपको जो तमाम जानकारियां आपने दी, मयूर का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, अगला सवाल यह, जिस तरीके से कपिश जी ने कहा कि जो दो कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान आज किया है, तो दो सीटें तो उन्हें मिलनी ही मिलनी है, हालांकि ये सीटें कहाँ से मिलेंगी, किसके समर्थन से मिलेंगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का संबंध देखे अन्य पार्टियों से जो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, तो इस वक्त हर जगह कहीं ना कहीं छोटी मोटी खटास जो है समाजवादी पार्टी की चल रही है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से ये पार्टी हासिल करेगी दूसरी सीट अपनी? देखिए, कपीश जी ने जो बात कही कि लोकतंत्र है और कोई भी पार्टी, चाहे उसका एक सदस्य विधानसभा में हो चाहे दो सदस्य, वो विधान परिषद के लिए अपना प्रतिनिधि, अपना जो है व्यक्ति खड़ा कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी सीटों की बात की जाए तो एक व्यक्ति इनका, एक उम्मीदवार तो जीतता तय नजर आ रहा है, विधान परिषद पहुंचेगा। लेकिन दूसरे के लिए जो कपीश जी बता रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे पहुंचेगा। देखिए, 33 वोट चाहिए एक सीट के लिए, तो इनके पास कहाँ है? अगर इनकी सीटों की बात की जाए तो 49 सीटें इनकी हैं, अगर 33 जो है एक व्यक्ति को वोट पड़ जाते हैं तो आगे के लिए एक्स्ट्रा जो वोट चाहिए होंगे वो कहाँ से लाएंगे? इनके पास जो है 33 जो इनके 49 में से 33 अगर वोट पड़ जाएंगे एक व्यक्ति को, तो बाकी के जो बचे वोट होंगे वो एक कहाँ से बटोरेंगे? वही जानना चाह रहे हैं कि किससे इनकी बात हो रही है, किस दल से इनकी। देखिए, बीएसपी इनको सपोर्ट करेगी नहीं, कांग्रेस इनको सपोर्ट करेगी नहीं, क्योंकि उससे पहले ही मामला इनका खटास से पड़ चुका है। अब इनके पास कौन से ऐसे, कौन सा ऐसा दल है जो इनको सपोर्ट करने के लिए कह रहा हो, जो ये बता रहे हैं कि जो है बीजेपी के कुछ विधायकों से बात चल रही है, तो किन बीजेपी विधायकों का, इसके बारे में कपीश जी बताएंगे नहीं। लेकिन बीजेपी के विधायक टूट जाएं बड़ा मुश्किल है और बड़ा अचंभित करने वाला है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 9 सीटों पर उसकी साफ दावेदारी, उसका साफ कब्जा नजर आ रहा है। लेकिन अगर 10वीं सीट की बात करें तो बीजेपी को 10वीं सीट के लिए जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास भी 10वीं सीट के लिए वोट कम है, क्योंकि 297 वोट जो है उनकी 9 सीटों पर चले जाएंगे, और बाकी के जो बचे 13 वोटर, 13 से उनको जो 10वीं सीट है वो उनको नहीं मिलेगी। उसके लिए भी उनको जो है दूसरी पार्टियों को देखना पड़ेगा, चाहे वो अपना दल उनका सहयोगी है उसका वोट मिल जाएगा, 9 वोट है उसके पास उसका वोट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सुभाषपा के उनके पुराने साथी की बात करें, सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। तो स्थिति ये है कि अगर बीजेपी को 9 विधान परिषद की सीटें मिल रही हैं और 10वीं भी बीजेपी किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके अगर 10वीं सीट भी ले जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक सीट पर उनकी फुल प्रूफ दावेदारी है, लेकिन दूसरी सीट पर जो 12वीं सीट है उस पर कौन बाजी मारेगा, ये समाजवादी पार्टी खेमे में भी क्लियर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी क्लियर नहीं है। वही बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो बिल्कुल एकदम कहीं भी फ्रंट पे नजर नहीं आ रही है, जबकि उसके पास भी जो है सीटों की बात कर रहे हैं अगर बीएसपी की, तो 18 उसके पास विधानसभा में सीटें हैं, लेकिन वो किसका सपोर्ट लेती है? तो 12वीं सीट जो है वो 12वीं सीट बहुत दिलचस्प बनाएगी इस विधान परिषद चुनाव को, कि 12वीं सीट पे असल में दावेदारी किसकी रहती है, कौन इस सीट पर 12वीं सीट पर कब्जा कर पाता है। बिल्कुल, यही इस चुनाव को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। हमारे साथ बीजेपी से विनीत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव टुडे में। विनीत जी, जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, आज ये मुद्दा इसलिए और उठाया है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने दो नामों का ऐलान कर दिया है, और जैसा कि कपीश जी ने अभी कहा कि दो सीटें उनके खाते में जा रही हैं, 9 सीटें आपके खाते में जा रही हैं, बची एक सीट, उसके लिए क्या तैयारी कर रही है बीजेपी, किसके साथ बातचीत कर रही है, और क्या आपको लगता है कि दो सीट समाजवादी पार्टी के पास जा रही हैं इसमें? देखिए हिना जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन सबकी तैयारी कर चुका है, और निश्चित ही हमारी सीटें जो हमारे आंकड़े हैं विधायकों के उसके अनुसार और बाकी भी सीटें हमारी जीतेंगी। कपीश जी को शायद ये नहीं पता या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं पता है, आजकल ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना शुरू कर दिए हैं, साइकिल से बाइसिकल हो गई है, तो ये सपने देखते रहते हैं कि हमारी 2 आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी, लेकिन इनका 1 का ही ठिकाना नहीं होता है और 2 की बात करते हैं, तो पता नहीं कैसे जोड़ घटाना लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी साथ इनका देने का तैयार नहीं है। जिस तरीके की इनकी विचारधारा है, अपराधियों का समर्थन करने वाली पार्टी को अब कोई साथ देने वाला नहीं है, और यहाँ तक कि आप देखिएगा 2022 में भी पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत के साथ, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में,
और अपराधियों का जिस तरीके से पहले बोलबाला था, आज उन सब पर बुलडोजर चल रहा है। तो निश्चित ही ये सब कार्रवाई जनता देख रही है, जनता सब समझती है किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है। और फिलहाल विधान परिषद के चुनाव की बात करें तो विधान परिषद के चुनाव में निश्चित ही भाजपा के जितने भी प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है या जो भी अभी फाइनल होने वाले हैं, उन सब की जीत सुनिश्चित है। तो कपीश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से, यही बात मैं भी आपसे पूछना चाह रही थी, विनीत जी ने कह ही दिया कि कोई साथ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे हम सुभासपा की बात करें जो अब भागीदारी मोर्चा बना रहे हैं जिसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य पार्टियां मौजूद हैं, वो भी समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं अपना समर्थन देती दिखाई नहीं दे रही है, बीएसपी भी समर्थन देती दिखाई नहीं दे रही है, तो कहां से लाएंगे वो सीटें जिसका दावा कर रहे हैं आप, जो सवाल अभी विनीत जी ने भी पूछा। देखिए, हमें इस बात की खुशी है कि विनीत जी ओवर कॉन्फिडेंस में, और उन्होंने अपनी 10वीं सीट नहीं बताई कि शेष कहां से ले आ रहे, उन्हें समाजवादी पार्टी की ज्यादा चिंता है। तो मित्र, आप चिंता ना करें, और दूसरी चीज एक और बताते, उन्होंने तो घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी, क्योंकि तो हमारे जो मुखिया हैं वर्तमान समय में प्रदेश के, उनके ऊपर 302 और 307 के मुकदमे हैं, और डिप्टी मुख्यमंत्री पे मुकदमे हैं, 150 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर गंभीर मुकदमे हैं, 215 सांसदों के ऊपर गंभीर, उसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है तो भाई इसमें कोई बात नहीं है। बावजूद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, शुक्ला जी आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप बताइए ना, अध्यक्ष मत साझा करते हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं है, आपको अभी भी अंदाजा नहीं हो पाया, अभी आप उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं समझ पाए हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार भ्रमित करके आप लोग जिस तरीके से बन गए थे, अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको स्वीकार नहीं करने वाली, आपके विधायक जान चुकी है कि आप सीधे मुख्तार अंसारी का, अतीक अहमद का, और बड़े माफिया विजय मिश्रा, जितने भी माफिया है उन सबका समर्थन करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को देखा है लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन माननीय योगी जी के नेतृत्व में देखा है, 4 साल की सरकार में जिस तरीके से अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, बेचैनी साफ नजर आती है। अखिलेश यादव जी कुछ कह रहे हैं, पहले कपीश जी की बात सुन लेते, फिर विनीत जी आप बोलिएगा जी। अपराधियों को संरक्षण कौन सी पार्टी दे रही है? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, एनसीआरबी के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि सबसे ज्यादा अपराध आपके शासन काल में हुआ है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 7.5% अपराध पहले से बढ़ गया है। अरे कहां राम राज्य ले आए, रावण राज्य स्थापित किया आपने, आप जोग और भोग नदी जी, निस्तारण सबसे ज्यादा हुआ है, एक योगी सबसे ज्यादा निपटारा अपराधियों का हुआ है, समाप्त करने का निस्तारण सबसे ज्यादा हमारी सरकार में हुआ है, अपराध का ग्राफ आपकी सरकार में बढ़ा था, उन सबको भी हमारा निपटाने का काम हमारी सरकार ने किया है, आपको शायद पता नहीं है, जो राजा बनने जिनको आपने पाला पोसा था वो भी निपट गए, जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे, आप चिंता मत करिए, अभी समय है। चलिए कपीश जी उस सवाल पर आते, जो सवाल मैंने पूछा था कि कैसे आप, कपीश जी वो सवाल जो मैंने पूछा था उस पर आ जाते हैं एक बार दोबारा, कि कैसे आएगी दूसरी सीट आपके खाते में, ये मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या जोड़ तोड़ चल रहा है। बात कह रहा हूँ कि भाई देखिए, 9 सीट इनकी कंफर्म है, 10वीं इनकी नहीं करती जी, ठीक उसी तरीके से आपको लगता है कि 12वीं हमारी कंफर्म नहीं, इनके साथ कौन खड़ा है, क्या राजभर साहब इनके साथ खड़े हैं, क्या कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, क्या मायन मायावती जी इनके साथ खड़ी जी, लेकिन आपकी पार्टी ने तो ये कह दिया था ना कि ओवैसी आए हैं बी टीम बनकर, ओवैसी आए हैं बी टीम बनकर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिहार के अंदर लोगों ने देखा नहीं है, उत्तर प्रदेश वालों ने सबक ले लिया। और दूसरी बात यह है कि बगिया की दुकान नहीं है जो बांट के लगाई जाएगी, हम तो अपने कामों के आधार पर वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे, इनकी तरह धर्म का आवरण और चश्मा चढ़ा के और छद्म रूप से लोगों को ला करके नहीं करेंगे 1,000 करोड़ रुपए दे के पीछे से। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीब पार्टी, हम लोग तो मीडिया पे भी पैसा नहीं खर्च कर पाते, अपने प्रचार नहीं दे पाते, लंदन में होटल खरीदने वाले गरीब पार्टी है, समाजवाद का झूठा नारा देने वाले
समाजवाद का झूठा नारा देने वाले समाजवादी की बात करेंगे। लोहिया जी कौन सी टोपी लगाते थे? लाल टोपी लगाते थे क्या लोहिया जी? समाजवाद की बात करते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। परिवारवाद की बात करिए, घर में 25-30 लाल बत्ती लेकर घूमते थे, सैफाई से लेकर इटावा मैनपुरी और रामपुर तक सब लाल बत्ती लेकर घर पर घूमते थे। अपने अजय जी से अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। अजय जी, अब सच तो ये है कि 11वीं और 12वीं सीट किसके खाते में जाने वाली है ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अन्य जो वोट हैं, जो बीएसपी के पास वोट्स हैं, जो अपना दल के पास वोट्स हैं, जो तमाम दूसरी पार्टियों के पास वोट हैं, वो आखिर किसके समर्थन में जाएंगे? क्योंकि अभी ये जो राजनीति उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है उसमें कहीं भी गठबंधन का कोई भी निशान जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, कपीर जी ने भी ये बात कही कि 9 सीटें अगर बीजेपी कन्फर्म है तो 1 सीट सपा की कन्फर्म है, ये तो क्लियर है। लेकिन अभी अगर हम 11वीं और 12वीं सीट की बात करें तो 11वीं सीट पे अगर देखिए, बीएसपी को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि बीएसपी भी लगभग जो है ठीक ठाक स्थिति में, 18 सीटें उसके पास है। तो अगर बहुत होगा तो हो सकता हो बीजेपी बीएसपी को सपोर्ट कर दे। देखिए 2000 देखिए विधान परिषद चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण 2022 के लिए क्या बन रहा है इसकी स्थिति भी बहुत साफ करेंगे। हो सकता हो कि बीजेपी बीएसपी को सपोर्ट करके 1 सीट उनके खाते में भेज दे, लेकिन बात वहीं फंस रही है कि समाजवादी पार्टी, देखिए अभी क्लियर नहीं है कि बीजेपी ने कितने लोगों को, कितने कैंडिडेट्स को, मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी ने अभी कैंडिडेट्स अपने क्लियर नहीं किए हैं कितनी सीटों पर दावेदारी पेश करेगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 10 सीटें उसके पास जाएंगी। हम कह रहे हैं कि अगर 9 सीटें जाती हैं, 1 सीट वो बीएसपी को दे देती है यार, बीएसपी सपोर्ट कर देती है बीजेपी को। लेकिन बात वही फंसती है कि समाजवादी पार्टी ने आज जो बैठक हुई है उसके बाद क्लियर ये हुआ है कि दो लोग अहमद हसन और अजय चौधरी। पहले मायावती का जो बयान आया था जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति से संन्यास दे देंगे लेकिन बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बयान दे चुके हैं। देखिए देखिए राजनीतिक बयान कितने जो है वो मजबूत होते हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगर इतिहास खंगालेंगे तो साफ तौर पर पता चल जाएगा। समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जो है क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बाद गठबंधन हुआ, बुआ बबुआ की जोड़ी आई, हार गई, बीएसपी को काफी फायदा हुआ, 10 सीटें ले गई, लेकिन बाद में क्या हुआ, यही कि बुआ बबुआ एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो थोड़ा सा अलग तरह का रहा है, लेकिन अभी के जो है परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो साफ चीज यही निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने दो जो दावेदार पेश किए, तो 1 सीट तो उनकी कंफर्म है, बाकी की दूसरी सीट के लिए जो उन्होंने दावेदार पेश कर दिया है उसका वोट वो कहां से लाएंगे? अगर निर्दलीय विधायकों की बात करें तो 3 निर्दलीय विधायक है, अपना दल समाजवादी को सपोर्ट करेगा नहीं, सुभाषपा सपोर्ट क्यों करेगा जब सुभाषपा अपना ही एक छोटे दलों का गठबंधन हुआ इसी के साथ और प्रगतिशील के साथ मिलकर बना रहा है, तो वो क्यों करेगा? अगर 1-2 विधायक जो है निर्दलीय चले भी जाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ तो तब भी उसकी सीट दूसरी नहीं आनी है, कांग्रेस सपोर्ट करेगी नहीं, बहुजन समाज पार्टी सपोर्ट करेगी नहीं, तो आखिर दूसरा जो कैंडिडेट है, देखिए बीजेपी का इसलिए अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसके कैंडिडेट्स क्लियर नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने खुद 2 नामों पे एक तरह से मुहर लगा दी है, तो 1 तो कंफर्म है, दूसरा कहां से आएगा ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर विधान परिषद चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में कौन किसके साथ जाता है 2022 के लिए एक बहुत क्लियर तस्वीर ये साफ कर देगा। बिल्कुल, 2022 की तस्वीर की आपने बात की है तो मैं ओवैसी की एंट्री पर भी थोड़ी बात कर लेती हूँ। विनीत जी, अगला सवाल लेकर आपके पास आना चाहेंगे। ओवैसी की जब एंट्री हुई उत्तर प्रदेश में, पहली बात तो ये कि इस वक्त भागीदारी मोर्चा के सदस्य बनने को तैयार हैं ओवैसी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से देखा गया कि बीजेपी की बी पार्टी बनकर ओवैसी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, तो क्या जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें इस तरीके की बी एंड सी पार्टियां आपके समर्थन में आ रही हैं क्या मैदान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं में इतना बड़ा देखिए समूह, जनता का समर्थन और हमारे कार्यकर्ताओं की आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते जा रहे हैं, विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है एंट्री वो कहीं से भी करें, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का है, पूरे देश में कहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन उनसे कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे बिहार हो, अभी पश्चिम बंगाल में ही आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है, वहाँ भी जिस तरीके से अराजकता थी ममता जी की तो उसको भी लेकर के जनता में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी में लोग विश्वास कर रहे हैं, उनकी योजनाओं में जो जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं, तो उन सब योजनाओं का जो लाभ
आम जनता को मिल रहा है, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को मिल रहा है। तो इसलिए जनता अब मूड बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में भी सरकार बनाएगी और अन्य राज्यों में भी जहां भी चुनाव होने वाले हैं भाजपा के पक्ष में ही वोट करने वाली है। रह गई बात इन लोगों का बात करते हैं तो श्रीमान अखिलेश यादव जी इसमें भी धोखा दे रहे हैं, दो कैंडिडेट खड़े करके आपस में ही एक दूसरे को लड़ा करके एक को जिताए, एक ही जीतने वाला है, जबरदस्ती का दो खड़े करके सिर्फ दिखाना चाहते हैं, उसमें भी लोग धोखा दे रहे हैं। तो ये पहले अपने आप में लोगों को संतुष्ट करें, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा नेतृत्व है और कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी आएंगे वो सब जीत सुनिश्चित करेंगे। फाइनल कमेंट कपिल जी आपसे भी लेना चाह रही हूं और सवाल यही है कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी जो है अपनी बात को समक्ष रख रही, विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी जिस तरीके से 9 सीटें तो बीजेपी के खाते में जा ही रही है और कहीं ना कहीं सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं कि 2 सदस्यों का 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा क्यों की, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर। और बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आज ये विधान परिषद चुनाव से ये पिक्चर जो है, ये तस्वीर जो है क्लियर होगी कि कौन सी पार्टी किसके साथ हाथ मिलाने वाली है। देखिए बहुत सीधी सी बात बताएं कि विनीत शुक्ला जी दूसरों पर कहते हैं कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में वो खुद देख रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आ जाए। दूसरी चीज आपने देख लिया कपिल जी, आपने भी देखा, जरा देख सुन लीजिए, 2 सीटें लेकर के आप बंगाल चलेंगी। अरे सुन लीजिए आपके तो प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री इतना ज्यादा उनकी नीतियां सराही जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट रोज रथाड़ लगा रही है और किसानों की शहादत ले रहे हैं 50-55 से ऊपर मर, वो सब छोड़ दीजिए क्या नीति है और क्या ईवीएम है और क्या प्रशासन है और क्या संवैधानिक संस्थाओं की चुने आपने, उस पर मैटर नहीं है। मैं दूसरी बात कह दूं कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये 2 सीट दे करके आपस में लड़वा रहे हैं तो 9 के बाद जो 10वां भी सीट देंगे ये अपनी बात बता रहे हैं क्या, ये भी लड़वाएंगे 9 को दे के 10वां वाले। तो बहुत सीधी सी बात ये है कि समाजवादी पार्टी कंफर्म है कि हमारी दूसरी सीट भी आनी है, क्योंकि ये चुनाव किसी एक दल के विधायक नहीं देते हैं और इसकी कोई राजनीति में जगह नहीं होती है कि फला कांग्रेस क्या भाजपा को दे देगी, बसपा क्या भाजपा को दे देगी, या ओम प्रकाश राजभर जिसके पीठ में छुरा भोंकने का काम या आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था वो इनको गिफ्ट कर देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, कर देंगे कम से कम जनता के सामने सच्चाई भी तो खोलनी चाहिए। चाचा की पीठ में जो छुरा भोंका है क्या वो दे देंगे क्या आपको? चाचा तो हमारे विधायक है, चाचा विधायक है लेकिन चाचा ही वोट आपको देने वाले नहीं है, वो तो आप समझे। चाचा की पहले पूछ कर लीजिए बाद में बताइएगा किसके पीठ में किसने छुरा घोंपा है। और साइकिल से ही चाचा जी विधायक रहेंगे, पहले चाचा को मनाइए और छोटे भाई को मनाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चिंता मत कीजिए आडवाणी जी को, अपनी बहू रानी को मनाए आडवाणी जी, पहले घर में जो फूट है उसको सही करिए, बाकी बाद में बताइएगा कि बीजेपी में क्या होने वाला है। ना बाकी तो आपने ऊपर भेज ही दिया मनाते मनाते। कपिल जी आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, चाचा हमारे विधायक हैं, एक एक सीरीज मुझे याद आ गई इसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस बना हुआ है इस बात पर जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं दूसरी सीट पर। तो सवाल यही था कि क्या बसपा आपको अपने विधायक का वोट दे देगी, क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा से आपको वोट मिल जाएगा, या जैसा कि विनीत जी ने पूछा क्या चाचा आपको वोट दे देंगे। तो सवाल कई उठ रहे हैं, अब देखना ये होगा कि चुनाव के नतीजे क्या निकल कर आते हैं। कपिल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विनीत जी बहुत शुक्रिया आपका, अजय जी बहुत शुक्रिया आपका भी। तो विधान परिषद के चुनाव जो है वो होने हैं और कहीं ना कहीं 2 सीटें जो 11वीं और 12वीं सीट है उस पर असमंजस अभी भी बना हुआ है, देखना ये होगा कि ये सीटें किसके खाते में जाती हैं। दीजिए अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।